जब पूरी दुनिया में गिरती हुई जीडीपी की दर और आर्थिक मंदी से लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है, उस दौर में हमारे साथ हैं भीलवाड़ा के राजस्थान कोऑपरेटिव सेवा के रिटायर्ड एडिशनल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव मोहम्मद असलम खान साहब। उनसे बात करते हैं कि किस तरह से उनकी इनकम है, कैसे वो खर्च करते हैं, क्या बचत है, किस तरह का उनका इन्वेस्टमेंट है। आपकी जो इनकम के सोर्सेज क्या हैं, रिटायर्ड तो हो चुके हैं, किस तरह से आप खर्च करते हैं, बचत करते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट प्लान क्या रहता है। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा आपने बताया, मैं वर्ष 2018 में राजस्थान सहकारिता सेवा से एडिशनल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव अजमेर जोन के पद से रिटायर हुआ था। जैसा आप सभी जानते हैं, रिटायरमेंट के बाद में जो सैलरी होती है वो लगभग 50% हो जाती है, तो मेरी सैलरी जो है वो भी लगभग 50% मिलती है मुझे, वो पेंशन के रूप में मिलती है। और हम सभी जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद में एक मुश्त जो अमाउंट है पीएफ में, ग्रेचुटी में, उसमें मिलता है, कम्यूटेशन के रूप में मिलता है, और भी जैसे लीव एंगेजमेंट में मिलता है, तो वो लगभग मिलता है 50 लाख से लेके 60-70 लाख तक मिलता है। अब सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये रहती है कि चूँकि हम मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं, तो हम किस तरह से हमारी सेवा के बाद भी, सेवानिवृत्ति के बाद भी हम अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकें। ये सभी मध्यवर्गीय परिवारों में समस्या है, इसलिए मैं सभी इस आपके मंच के माध्यम से सभी को कहना चाहूँगा कि रिटायरमेंट के बाद में हमें कई तरीके, हमारे एक तरफ तो सामाजिक जो लायबिलिटी आती है, सामाजिक उत्तरदायित्व आता है, इधर हमारी इनकम भी कम होती जाती है, और चूँकि जो वृद्धावस्था आती है तो जो हमारी क्षमताएं कम होती है और हमारे जो खर्चे हैं वो भी बढ़ते जाते हैं, मेडिकल के भी खर्चे बढ़ते जाते हैं। इन सब चीज़ों को कैसे हम मैनेज करें, ये बहुत बड़ी हम सब के लिए और मेरे जैसे सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। असलम साहब, आप कह रहे हैं कि क्योंकि आपकी जो इनकम सैलरी लगभग आधी रह जाती है, एकमुश्त पैसा मिलता है, उसको सेविंग्स में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, खर्चे किस तरह मेंटेन करते हैं, क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड आपका, आखिर एक प्रशासनिक अधिकारी के पद से रिटायर्ड हुए हैं, तो वो लिविंग स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना, वो किस तरह करते हैं आप, खर्चा किस तरह कंट्रोल करते हैं? जी जी, मोटा मोटा मैं बताऊं आपको, जो हमें मिलता है पेंशन रूप में मिलता है और जो हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका जो ब्याज मिलता है और जो हमारे जो किराए की इनकम है, वो तीन मोटे मोटे जो मद है, सैलरी के रूप में, ब्याज के रूप में और किराए के रूप में, रिटायरमेंट के बाद में सभी के लिए करीब करीब यही तीनों मद है जिससे हम इनकम होती है। और जो खर्चा है, जहाँ तक खर्चे का प्रश्न है, खर्चा हमारा जैसा हम सभी जानते हैं, जो लिविंग कॉस्ट बढ़ गई है, महंगाई भी बढ़ गई है, तो जितनी इनकम होती है उसका 50% तो हमारे रेगुलर जो रिकरिंग मंथली जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर है उसमें चला जाता है। 50% बचा उसमें से भी हमें कुछ पैसा अनसीन जो एक्सपेंडिचर है आने वाले भविष्य में, जैसे हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी आई थी उसमें भी लोगों की इनकम ख़त्म हो गई थी, तो जिसमें जिनकी बचत थी उनमें बचत काम आई, तो इस तरह की कोई दूसरी भी कोई दुर्घटना हो सकती है, घर में कोई ऐसी बात हो सकती है, तो हमें अनसीन खर्चे के लिए भी हमें बचा के रखना पड़ता है। तो लगभग 25% हमारा ये प्लान करना चाहिए हमें कि हम 25% राशि उसमें से अपने आने वाले भविष्य में किसी भी तरह के खर्चे के लिए हम बचा सकें। जो 25% जो बचता है उसको मेरा मानना है कि उसको हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और सबसे बड़ी जो अभी जो बात है वो मैं सभी अपने साथियों को बताना चाहूँगा कि जैसे ही जो आदमी रिटायर होता है तो कई तरह के लोगों को उनके पास वे संपर्क करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले भी करते हैं, और सबसे बड़ी बात जो पोंजी स्कीम्स है, जो मल्टी लेवल जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं और जो दूसरे जो है वो उनको अधिक ब्याज का लालच देके उनको इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो मेरा सबसे यही आग्रह है कि कृपया इस तरह की जो योजनाओं में, जो पोंजी स्कीम्स में जो ज़्यादा ब्याज का जो लालच देते हैं आपको, उसमें कभी नहीं पड़े। असलम साहब, क्योंकि आप कोऑपरेटिव में रहें, राजस्थान में कई कोऑपरेटिव सोसाइटी डूबी, बचत हमने बात कर ली, आपके इनकम की, आपके खर्चे की, बचत क्या सरकारी योजना में करनी चाहिए, पोस्ट ऑफिस में, बैंक्स में, नेशनलाइज बैंक में, या किस तरह आदमी को बचत करना चाहिए? जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, हमें अपना एक इन्वेस्टमेंट का एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, जैसा एक इकोनॉमिक्स का भी सिद्धांत है कि हमें सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए।
तो हमारा जो इन्वेस्ट का पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए, थोड़ी थोड़ी चीज़ें सभी उसमें हम उसमें सेक्टर में डालें। तो जहाँ तक जो मेरे जैसे लोगों की बात है या सीनियर सिटीजन्स की बात है, उनकी जहाँ तक बचत का जो बात है, जो सबसे बड़ा जो है उसका एक पोर्टफोलियो है वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, जो कि हम पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते हैं और किसी भी बैंक में भी कर सकते हैं। आज की तारीख में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में सबसे अधिक ब्याज दर है, 7.2 से लेकर 7.5% तक ब्याज दर है, जो कि अधिकतम है। तो जो सीनियर सिटीजन्स के लिए और ऐसे लोगों के लिए वो मेरे ख्याल से सबसे अच्छी ये स्कीम है। इसमें अगर आपकी पत्नी भी सीनियर सिटीजन है तो उसके नाम पे भी आप कर सकते हैं। इसमें मेरी ये राय है कि हम जैसे इसमें मैक्सिमम 15 लाख तक हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरी ये राय है कि इसमें 15 लाख एकदम नहीं करके अपन 5-5 लाख के रूप में करें, ताकि कभी भी कोई अपने को मैच्योरिटी लेनी हो, क्योंकि वो 5 लाख 5 साल के लिए वो लॉक इन हो जाती है। तो हम बीच में भी उसको अपन कुछ पार्ट को अपन अगर ज़रूरत पड़ जाए तो उसको निकलवा सकें। तो फर्स्ट तो हो गया आपके सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सेकेंड जो हमारे जो अपन नॉर्मली जो करते हैं बैंक में, वो रेकरिंग डिपॉजिट के लिए करते हैं। तो रेकरिंग डिपॉजिट में हम सभी जानते हैं कि न तो बैंक में FD में जो ब्याज दर है वो काफ़ी कम हो चुकी है, मैक्सिमम 5 से लेकर 6% तक ब्याज दर है। इसी तरह से जो रेकरिंग डिपॉजिट है उसमें भी ब्याज दर काफ़ी कम हो चुके हैं। तो अगर जिसको रेकरिंग डिपॉजिट में जो अगर सरप्लस पैसा है, तो उसका मेरा मानना है कि जो अपना म्यूचुअल फंड स्कीम्स है उसमें जाना चाहिए। तो अपने जो भी कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उनसे राय लेके हमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के रूप में हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। असलम साहब, जैसा आप कह रहे हैं कि रेकरिंग डिपॉजिट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, FDRs में बैंकों की FDR रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, तो अब आदमी इन्वेस्टमेंट करेगा शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, वो किस तरह का आपका किस तरह का प्लान है, आपने किस तरह रिटायरमेंट के बाद इन्वेस्ट किया? जी जी, जैसे मैंने आपको बताया सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में, इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं और नॉर्मली करीब करीब सारे जिनको भी बल्क में जो पैसा मिलता है, रिटायरिंग बेनिफिट मिलते हैं, वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड, जैसे मैं बताया कि जो आप रिकरिंग डिपॉजिट नहीं करा के आप म्यूचुअल फंड्स में आप करें, और कम से कम आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में कम 3 या 4 आप सिर्फ ले सकते हैं, जिसमें लगभग 7-8 हज़ार महीने का आप रिकरिंग डिपॉजिट आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका भी अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें, 5 साल तक आप इसको रखते हैं तो जो आपकी ग्रोथ आएगी वो लगभग 10 से 15% ग्रोथ आएगी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में। तीसरा, आप जो है वापस आप PPF अकाउंट में कर सकते हैं। PPF अकाउंट में हम 15 साल तक के लिए PPF अकाउंट नया खुलवा सकते हैं, और उसमें मैक्सिमम 1,50,000 तक हम हर साल उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि पेंशन पे भी आजकल इनकम टैक्स लगने लग गया, तो वो भी हमें टैक्स प्लानिंग करनी होती है। तो उससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम PPF अकाउंट भी खोल के उसमें PPF में भी इन्वेस्ट करें। तो मैक्सिमम उसमें 1.5 लाख तक अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो ATC में हमें 1.5 लाख तक की छूट मिल सकती है। शेयर मार्केट में किस तरह इन्वेस्ट करना चाहिए? मैं शेयर मार्केट में जो इक्विटी मार्केट में, उसमें मेरा पर्सनल विचार है कि उसमें जब तक हमारी मार्केट स्टडी अच्छी नहीं हो, डे टू डे स्टडी अच्छी नहीं हो, उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसमें इक्विटी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा एक तरह से उतार चढ़ाव आता है, और जो एक्सपर्ट्स है जिनकी डे टू डे उसकी मॉनिटरिंग है, स्टडी है, वो तो इसमें कर सकते हैं। लेकिन जो हम जैसे लोग हैं जिसका कोई मार्केट में स्टडी नहीं है, तो उसको शेयर मार्केट में, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, ताकि कल को कोई अगर उतार चढ़ाव भी आए तो उससे अपन प्रभावित नहीं हों। तो ये थे मोहम्मद असलम खान, जो एडिशनल रजिस्ट्रार कॉपरेटिव से रिटायर्ड हुए हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से इनकम तो इनकी आधी रह गई, पर जो एकमुश्त पैसा मिला और जो किराए की इनकम है वो लगभग वापस उतनी हो गई जितनी इन्हें सैलरी मिलती थी। पर साथ ही साथ इनका कहना है कि 50% रेकरिंग एक्सपेंसेस आपका होना चाहिए, 25% आपकी बचत होनी चाहिए, 25% आपका अनसीन एक्सपेंडिचर है, जो कभी बीमारी आ जाए या और कोई बच्चों की पढ़ाई है या और कोई उनकी शादी ब्याह, इस तरह इनको बचा के रखना चाहिए। साथ ही साथ इनका कहना है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो फ्रॉड हो रहे हैं और जो लोगों का पैसा बड़ी ब्याज दर के चक्कर में डूब रहा, उनसे उनको बचना चाहिए। साथ ही साथ शेयर मार्केट में अगर आपकी अच्छी स्टडी है और आप अनुभवी हैं तो इस शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की आपको रिस्क लेना चाहिए। बाकी इनका कहना है कि आप म्यूचुअल फंड में करिए और बाकी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैमरा पर्सन रवि पाइक के साथ प्रमोद तिवारी, NBT ऑनलाइन, भीलवाड़ा।